चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो गाइस, आज कैट 2009 का क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें से कैट 2008 के भी हो सकते हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उतना हाई लेवल क्वेश्चन शायद आप कैट में नहीं आए, बट कुछ बोल नहीं सकते, एक सेफ साइड रहोगे और करते वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस, ये पहला क्वेश्चन है। पी क्यू एंड आर आर द थ्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर किस रेंज में लाई कर सकती है? ट्राई करो सर, क्योंकि अब कैट आ रहा है तो ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली निकल जाएगी, खाली उन्होंने रेंज दी है टफ करने के लिए। बस आप एक एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज इंटीजर्स है ना ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो निकाल सकते हो। देखो गाइस, यहाँ पे क्या बोला गया है, थ्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है, आपका जीरो से लेकर वन टू थ्री कोई वैल्यू ले सकते हैं, मतलब सारे होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वन से लेकर जीरो से लेकर सारे आगे तक। ठीक है, क्योंकि नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी इंक्लूड होगा, बिकॉज नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं तो क्या, जीरो और वन टू थ्री। ठीक है, अगर पॉजिटिव बोल रहा होता तो वन से लेते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया कि इंटीजर्स होंगे पी क्यू आर टेन होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हमको इसकी, मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आपको एक चीज बताया कि अगर कोई चीज प्रोडक्ट में होती है और उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तो नंबर जितना क्लोज हो उतना अच्छा है। जैसे अगर कोई पूरे सम को मैक्सिमम करना है और ये सब प्रोडक्ट में है, पी क्यू क्यू आर पी आर पी क्यू आर, तो ये सब अलग अलग जितने क्लोज होंगे आपस में उतना अच्छा रहेगा। तो वैसे तो इक्वल होने चाहिए, बट इस केस में इक्वल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज हमको इंटीजर चाहिए। और हमने आपसे बोला था कि अगर आपको क्लोज करना है तो जरूरी नहीं कि इक्वली हों, जितना नियरेस्ट पॉसिबल है, मतलब मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर करें तो थ्री आर थ्री ए इक्वल टू टेन आ जाएगा, तो आपका डेसिमल में आएगा। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, P और Q को ले लो 3 3 और R को ले लो 4, जितना क्लोज पॉसिबल है, मतलब इसको ऐड करके 10 आना चाहिए ना, बस ये हो गया 10। तो P कोई भी दो को ले लो आप 3 3 और एक को R ले लो, तो क्या हो जाएगा, मान लो P को लिया मैं 3, Q को लिया 3, R को लिया 4, तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, ये 9 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 36, 24 प्लस 36 60, 60 प्लस 9 इज 69। तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी 69। बट ये लाइक किसके बीच में कर रही है, 60 से बड़ा 70 छोटा, ये आपका आंसर आ गया सी। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कराया हमने अलजेब्रा में, इस तरह के काफी क्वेश्चंस कराए, बताया भी था आपको। ठीक है सर, हाँ बताओ सर। ऐसा सेम क्वेश्चन सर उसमें भी आया था, मैंने एक मॉक दिया था स्नैप का, तो बस उसमें लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी, मैक्सिमम वैल्यू, बस यही सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। हाँ, तो उसी लाइन यही हो सकता है, फिर ऐसे करते हैं लोग मॉक्स वगैरह थोड़ा दे देते हैं पुराने कैट के, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये टफ नहीं है, स्नैप में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, टफ नहीं माना जाएगा। और सर इसमें इसमें ये रिपीटेड नंबर्स ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि नंबर रिपीट नहीं हो सकता, मतलब जैसे 3 3 दो बार है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ लिखा थोड़ी, ऐसा डिस्टिंक्ट थोड़ी लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो ये 60 से बड़ा 70 छोटा आ गया आपका रेंज, 69 जो कि आ रहा है आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अब इतना जो कैट वाले कैसे डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को, कि कोई क्वेश्चन देखेगा तो क्वेश्चन देखते ही भाग जाएगा कि क्या है, पूछा कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, खाली डिजिटल सम का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। सपोज द सीड ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एन इज डिफाइंड एज, कुछ सीड होती है, सीड ऑफ एनी पॉजिटिव, कोई अपने आप से टर्म ले लेते हैं लोग। सीड का डेफिनेशन क्या है, सीड एन इज इक्वल टू एन, अगर एन 10 से छोटा है, मतलब सीड ऑफ 5 विल बी 5, अगर क्योंकि n आपका 10 से छोटा है, अगर मतलब 10 से छोटा कोई नंबर लोगे तो उसकी सीड n ही आएगी, ये बोला गया है। मतलब सीड 1 1, सीड 2 2, ऐसे, क्योंकि 10 छोटा है। बट अगर आपका 10 से बड़ा n है सीड, तो उस केस में हो जाएगा आपका सीड n आपकी हो जाएगी सीड ऑफ सम ऑफ n, मतलब ये आपका बेसिकली एस एन क्या डिनोट कर रहा है, इंडिकेट सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। ठीक है, ये आपका डिनोट कर रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जांपल देखो आप, सीड 7 7 था, सीड 248 आपका सीड 2 प्लस 4 प्लस 8 हो गया, इसको सम ले लिया हमने। ठीक है, सीड 14 हो गया,
फिर आपने 14 का 1 प्लस 4 कर लिया एक बार, तो सीड 5, और सीड 5 आपकी 5 ही आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है, तो अगर कोई नंबर बड़ा आ रहा है ऐसे, एंड जब आपका एन बड़ा है 10 से, तो उस केस में क्या हो रहा है, कैसे निकाल रहे हो आप इस 214 को ऐड कर रहे हो एक बार 14, फिर ऐड कर रहे हो, तो इतना सा डिस्टेंस हम निकाल रहे हो, और जैसे ही आपका सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो सीट सेम ही होगी, क्योंकि बोला गया 10 से नीचे कुछ भी करो आप नहीं आएगा वो। तो अब आप क्या निकालना है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन सच दैट एन स्मॉलर देन 500 विल हैव सीट 9, सीट एन इज इक्वल टू 9 होना चाहिए, ये बोला गया आपसे, ठीक है। तो वैल्यू बात यह है कि 1 से लेकर 9 में आपको 9 अगर सीट चाहिए तो आपका एन होना चाहिए 9, ठीक है। एन अगर आपका 9 होगा गाइस तो आपका 9 आ जाएगी सीट, फिर आपका 10 से बड़े में क्या हो जाएगा, 10 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, 18, 27, जितने भी 9 के मल्टीपल्स हैं, बिकॉज 9 के मल्टीपल्स का सम आपका 9 होता है डिजिटल सम, और डिजिटल सम अगर 9 हो जाएगा सीट तभी 9 होगी, तो 18, 27 से लेकर आपका पूरा जाएगा आगे तक 500 के छोटा 495 को अगर आप ऐड करो तो ये आएगा 18, फिर ऐड करो तो 9 आएगा ये। तो ये हमने 495 कैसे लेके आया, हमने देखा कि 500 के आसपास का मल्टीपल कौन सा है 9 का, तो कैसे करते हैं ये, 500 बाय 9 करो, रिमाइंडर आया 5, मतलब 5 रिमाइंडर बैक करो, 495 हमारा मल्टीपल रहा होगा 9 का। तो बस हमको ये करना है, तो हमको ये काउंट करना है 9, 18, 27 से 495 तक कितने टर्म्स हैं, तो कितने टर्म्स हैं ये, 495 माइनस आपके 9 करो तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 486, ठीक है, 486 बाय 9, अब ये कर दो 9, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 9545, ये होगा 3940, ठीक है। तो 54 प्लस 1 करेंगे हम, क्योंकि इसके लिए ऐसे ही करते हैं, कोई नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं किसी एपी में, ये भी है ना कि 99 की लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यही किया हमने, 355 मेरा आंसर आ गया। मतलब हम काउंट कर रहे हैं 9, 18, 27 से लेकर 495 तक का टर्म्स काउंट कर रहे हैं, एक तरह से हम निकाल रहे हैं nth टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो वैसे कर सकते हो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन आपका क्या है लास्ट टर्म 495, फर्स्ट टर्म क्या है 9, आपको एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या है 9, वही तो क्या हमने, तो यही तो होता है ये 495 माइनस 9 अपॉन 9 प्लस 1, वही तो होता है ये, ठीक है। एन आ गया 55 का आंसर हो गया, और देखने में बहुत टफ लग रहा है कि ये सब क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, अगर आपका एन 10 से छोटा होता है तो सीट जो है वही होगा, आपका 5 आएगा तो 5 आ गया, 6 आ गया 6 आ गया, पर जब एन आपका 10 से बड़ा होगा उस केस में आपका सीट क्या आएगी, सम ऑफ डिजिट्स देखना पड़ेगा आपको, डिजिटल सम इतने से करना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी दिया इन लोगों ने, जैसे 248 का ऐड किया 14, बट 14 को फिर ऐड किया था 5, और 5 जैसे ही आपका आएगा 5 की सीट 5 ही रहेगी, क्योंकि आपको बोला गया कि 10 से छोटी सीट आपकी सेम रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि सीट 9 के लिए आपको बड़े नंबर अगर सम कैसे 9 आ सकता है डिजिटल सम, जब आपका 9 के मल्टीपल्स में होंगे तभी डिजिटल सम आ सकता है आपका 9, 18, 27, 36 कितने भी हो सबका, ठीक है। तो ये आपको प्रॉबर्टी बतानी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके कैट में दोबारा नहीं आएगा, बट आईएफटी में आ सकता है, आईएफटी सीमेंट में आराम से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लोग देखते कैट का बहुत देते हैं पीछे का, ठीक है। बस यहाँ पे कंसेप्ट सेम कर देंगे, सीट बिटनिंग लिखेंगे कुछ और लिख देंगे सीट की जगह, और छोटा नंबर दे देंगे कुछ आपको, ठीक है। आया समय में, ठीक है गाइस, हुआ ना क्लियर, चलें। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो गाइस यहाँ पे क्या बोला गया, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर द सर्टेन कांस्टेंट, इट इज नोन दैट एफ फाइव इक्वल टू माइनस ऑफ 3f2 एंड 3 इज द रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले जो बोला गया वो कर लेते हैं, एफ फाइव क्या है, एफ फाइव आपका हो जाएगा 25a प्लस
फाइव बी प्लस सी, ये बराबर किसके है, माइनस ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ एफ टू, एफ टू क्या हो जाएगा एक्स को रखो, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, तो आपका 25a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 12a माइनस 6b माइनस 3c, ऐसा इसको उधर भेज दो सबको, 37a प्लस 11b प्लस 4c इज इक्वल टू जीरो, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर आपको बोला गया 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 3 भी एक रूट है, यहां पर रखो 3, मतलब क्या हो जाएगा ये 9a प्लस 3b plus c इसको टू जीरो दिया गया है, एक रूट एफ एक्स को जीरो का ना, ऐसा हो गया। अब आपके पास दिए दोनों क्वेश्चन है 37, 9 ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ रिलेशन मिल नहीं रहा है, सेकंड इक्वेशन में फोर से मल्टीप्लाई कर दो तब कुछ दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ गया। अब यहां पे आपको माइनस करो फर्स्ट माइनस थर्ड, तो ये क्या जाएगा a माइनस बी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यहां से मिल गया a इक्वल टू बी, इन दोनों को सॉल्व किया हमने, ठीक है। अब एक बार ए स्क्वायर बी आ गया मेरा, तो हम यदि क्वेश्चन में रख दें, किसी भी क्वेश्चन में रख दो, चलो आप ये काम करो यदि क्वेश्चन में रख दो, यदि क्वेश्चन में, ठीक है, ए स्क्वायर बी रखो अगर, तो ए स्क्वायर बी इसको हम ए ही मान के रखते हैं, तो 9a प्लस 3a प्लस c इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया मेरा माइनस 12, ठीक है, c मेरा आ गया माइनस 12, ए स्क्वायर बी एंड c इक्वल टू माइनस 12, ये आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, What is the root of the equation? ठीक है, तो कैसे देखो, एक रूट आपका अगर थ्री है, दूसरा रूट अगर अल्फा मान लें लो, अब देखो हमने क्या किया, हमने a, हमने सबको सबको रिलेट कर लिया, b is equal to a और c is equal to minus 12a, और a तो a है ही हमारा, ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा काम की चीज है। अब हमको एक रूट अगर थ्री दिया गया, दूसरा रूट अगर हम अल्फा मान लें, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई होता है ना सम ऑफ रूट, और b हमारा क्या है, a है, तो बस 3 प्लस अल्फा स्क्वायर टू माइनस ए बाई ए, तो 3 प्लस अल्फा स्क्वायर टू माइनस 1, अल्फा स्क्वायर टू आ गया माइनस 4, तो हमारा एक आंसर आ गया, अदर रूट क्या आ गया क्वेश्चन का माइनस 4, ठीक है। अब बात कर रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो गाइस a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू करें तो a हमारा क्या है, a हमारा a ही है, b हमारा क्या है, b भी a है, और c क्या है मेरा माइनस 12 है, ठीक है, तो ये हमारा कितना है माइनस 10a, तो हम इसकी वैल्यू यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमको a नहीं पता क्या है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ये एफ एक्स आपको है, एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एफ एक्स के फंक्शन के फॉर्म में यू एज्यूम किया तो क्या करोगे आप, इसको एज्यूम कर सकते हो आप k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने आपको बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे फंक्शन लेना है आपको, इज इक्वल टू जीरो नहीं करना है, फंक्शन आपको जब एज्यूम करना तो क्या करोगे, आगे कांस्टेंट एक रहेगा, बिकॉज हमको नहीं पता कि आगे कांस्टेंट क्या है, ठीक है, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे आप अल्फा बीटा को रख दोगे रूट, अगर अल्फा बीटा रूट हमारे आ गए थे ना, एक थ्री और एक माइनस फोर, तो k इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, यह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, सोचो कि हम निकाल लें, जैसे अगर आपको देखो एफ एक्स को एक्स को बन रखो तो सब जगह a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, एक्स यहाँ पे अगर मन रखो आप तो ये क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू फाइव इंटू के, तो यहाँ से भी आपका माइनस टेन के ही आ रहा है, नीचे हमारा माइनस टेन ही आ रहा है, तो कोई ना कोई वेरिएबल तो आएगा ही आएगा सर, तो आप यूनिटली डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको ए प्लस सी प्लस सी को, ठीक है। तो काफी बच्चे गलती क्या करेंगे, के नहीं लेंगे, सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये गाइस तब लिखोगे जब आप इसको जीरो कर रहे हो, क्योंकि रूट्स आपके अल्फा बीटा है, ठीक है। अगर आपको एफ एक्स लेना है तो आपको आगे कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा के, वो हमको पता नहीं क्या है, इसलिए हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा इसका, तो पहले का आंसर आएगा माइनस फोर, दूसरे का आएगा सी बी डी, ठीक है, ये चीज है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर हुआ गाइस, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट इससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। हुआ क्लियर, ठीक है ना, यारे क्वेश्चन देखते हैं। तो यारे क्वेश्चन में गाइस इसको आपको शॉर्टकट में अगर अप्रोच करना है ना, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या ज्यादा है, जैसे यहाँ पे रूट तीनों में ए बी ए सी डी में, खाली इसमें रूट नहीं है, तो पहले आप इसको ऐसे करो, रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिए गए m = n,
अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है मान लो, तो आपको अल्फा बाई बीटा क्या दिया गया है, एम बाई एन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लेके आओ, तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हो उसको, आप इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट ऑफ एम बाई एन प्लस रूट ऑफ एन बाई एन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज तीन है वो एक ही चीज दी गई है ये, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, यह आपका हो जाएगा रूट ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा बाई अल्फा, ऐसे ले सकते हो उसको आप, ठीक है। अब गाइस ये आपको बेसिकली सॉल्व करना है इसको, यहाँ ले यहाँ ले पढ़ो इसको, आप क्या करोगे, हमने आपको बताया था एक बार कि इसको हम रीराइट अगर करें तो ऐसे ले सकते हैं इसको, रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा, और अच्छे से कर लो। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तो गाइस इसको आप ऐसे भी ले सकते हो बाद में, फिर ये आपका हो जाएगा अल्फा का मॉड प्लस बीटा का मॉड, क्यों मॉड, क्योंकि रूट रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट का स्क्वायर होता है मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों पॉजिटिव ही आएगा, तो अल्फा बीटा का सम क्या होगा, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, मॉड ऑफ अल्फा बीटा पूरे का मॉड, क्योंकि जब ये पूरा पॉजिटिव है ये पूरा पॉजिटिव, तो ये बराबर ही हो सकता है ना इसके, ठीक है, ये चीज है, अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का क्या है, ये आपका है माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये आपका है, तो माइनस बी बाई नहीं लेंगे, बी बाई ए लेंगे खाली, ये बताया था हमने आपको एक बार, बी बाई ए हो गया ये अपॉन अंडर रूट ऑफ सी बाई ए, ठीक है, तो ये आपका ऐसा आ गया कुछ। अब इसको आपको देखना है बस, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, इसको आप थोड़ा सा ए को नीचे कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी अपॉन ए को लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, एक रूट नीचे से कटे आएगा, तो नीचे बचेगा क्या अंडर रूट ए सी, ये बचेगा आपका, तो बी अपॉन रूट ए सी बचेगा आपका, ठीक है, ये पूरा आपका पॉजिटिव वाला साइन था, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया इसमें से, हमने क्यों बोला आपसे कि आपको ये लेके पहले चलो, क्योंकि आपके पास तीन ऑप्शन इसी के हैं, तो अगर इसी को डिराइव करोगे तो आपका टाइम बचेगा, अगर आप पहले ये लेके चलोगे फिर आपका ये नहीं आएगा, फिर आप रूट करोगे इसका तो आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए क्योंकि तीन ऑप्शन है, रूट वाला केस है तो हम रूट वाला केस पहले लेके चलते हैं, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता प्रूव होते तो हम ये मार करके चले आते हैं एग्जाम में, तुम्हारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया अभी, ठीक है, तो ये हो गया। तो गाइस टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट ये है कि थोड़ा देखना पड़ेगा उसका, ठीक है, और ये हमने कंसेप्ट बताया था आपको बहुत पहले कि कभी भी रूट में दोनों चीज है तो आंसर कभी निगेटिव में आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये चीज बताई थी हमने आपको, क्लियर हुआ। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का, मॉड वाले हैं बेसिकली, हमने क्या बोला था आपसे कि कभी भी आपका एक क्वेश्चन करा था हम लोगों ने इस तरह का, कभी भी आपका ये पूरी चीज, देखो पहली बात तो ये है कि पूरी चीज रूट में आपकी, अगर आपकी पूरी चीज रूट में है ना तो आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो आप अगर कभी भी दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते हो रूट ऑफ स्क्वायर समथिंग होता है आपका मॉड, ऐसे मान लो आप अंडर रूट ऑफ अल्फा का स्क्वायर का आपको ले सकते हो मॉड अल्फा, बिकॉज ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपकी, इसलिए ठीक है ये चीज आपकी है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, तो काफी लोग गलती पता है यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे ऊपर, उनका माइनस बी बाई आ जाएगा, बट आपको सोचो ना कि कोई दो चीजें रूट में है तो आपका माइनस बी बाई नहीं आ सकता उसके इसमें, ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, चले ज्यादा क्वेश्चन गाइस ट्राई करो। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है गाइस, हमको खुश शौक लग गया था, ये क्वेश्चन 2009 का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रिंट होकर 2015 में आ गया था, ऑप्शन भी नहीं बदले थे, 25,000 आंसर आता है इसका, तुमको लगा ये कैसे कर सकते हैं कैट वाले हो भी, बिल्कुल सेम अपने क्वेश्चन दे देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बहुत बड़ी बात लगी मुझे, ट्राई करो ईजी क्वेश्चन है।
देखो गाइस इजी क्वेश्चन है, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन डे इनटू कैंडिडेट्स। टोटल वोटर्स अगर 100x है तो बोला गया 10% वोटर्स ने अपने वोट नहीं दिए, वोट कास्ट नहीं किया, तो 90x बचे। ठीक है, अब इस 90x में बोला गया है 10% ऑफ वोट्स पोल्ड, जो वोट आए वो इनवैलिड वोट थे, तो इसका 10% हटा दो आप तो 81x बचे, ये एक्चुअल वोट बचे, ये एक्चुअल वोट जो कंसीडर किए गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट को 54% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले हैं तो जो हारा है, जो जो लूज किया है, उसको कितने वोट्स मिले होंगे, 46% ऑफ वैलिड वोट्स। ये कंसेप्ट बताया था हमने आपको, जो पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि 100% वोट्स होते हैं ना, अगर हमने 54% लिए तो दूसरे ने कितने लिए, दूसरे अपोजिट कैंडिडेट ने, उस 100 माइनस समथिंग। ठीक है, ये दिस परसेंट ऑफ 81x एंड वॉन बाय मेजोरिटी ऑफ, तो विनर कैसे बनेगा, विनर ऐसे बनेगा 54% ऑफ 81x माइनस 46% ऑफ सॉरी 81x इज इक्वल टू दिया गया आपको 1620, तो उसको आप कॉमन ले लो, 81x कॉमन ले लो, 81 बाय 100 कॉमन ले लो चाहो तो, 54 माइनस 46 इज इक्वल टू 1620, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 8, और 81 20 जाएगा सीधे आपको दिख रहा है, तो x कितना आ गया आपका 2000 बाई 8, x आपका आ गया कितना आ गया, 8 2 250, x आपका 250 आ गया। आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड, कितने वोटर्स इनरोल्ड थे, 100x इनरोल्ड थे, 25,000 आ गया। ठीक है, तो गाइस ये कांसेप्ट याद रखना कि जो विनर और लूजर होता है, बोला जाए विनर इतने से अगर जीत रहा है तो कैसे जीत रहा है, वो विनर के परसेंटेज वोट्स माइनस लूजर के वोट्स, जो बचे गैप इन लोगों का वो होगा। ठीक है, जैसे हम मुझे 5 वोट्स मिले और लूजर को 3 वोट्स मिले, तो हम कितने से जीते, 5 माइनस 3 2 वोट से जीते ना, वही चीज यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज ये रखना कि अगर आपको 54 आपको 60% वोट्स मिले तो दूसरे को कितने वोट मिलेंगे, 40% मिलेंगे, क्योंकि टोटल वोट 100% मानो, तो ये दो चीजें वोट वाले क्वेश्चन में याद रखनी होती है। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको नॉन कैट में जरूर मिलेगा, कैट में तो शायद नहीं आएगा, मिल सकता है फिर भी। हुआ क्लियर, आया समझ में गाइस? ठीक है, इजी क्वेश्चन था गाइस, टफ नहीं मानेंगे इसको, कैट लेवल के अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन आपके आ जाएंगे स्नैप एंड मैट में। यार क्वेश्चन काफी अच्छे से आप सीखोगे, अगर किसी ने कभी पढ़ा हो तो ट्राई करो 20 सेकंड्स के लिए तरह, या आपका नॉन कैट में भी आ सकता है आराम से, सी मैट वगैरह में। देखो गाइस, ए एंड बी थ्रो विद वन डाइस फॉर अ स्ट्रेक ऑफ 11। ठीक है, व्हिच इज टू बी वन बाय द प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो सिक्स, मतलब ए और बी दोनों खेल रहे हैं, बोला है जो पहले सिक्स करेगा वो जीतेगा। ठीक है, इफ ए हैज द फर्स्ट थ्रो व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो हमको बेसिकली 11 को डिवाइड करना है उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ए से लेके चलते हैं, ए ने फर्स्ट थ्रो किया। ठीक है, एक देखते हैं, ए का मान लेते हैं फर्स्ट थ्रो किया और पहली बार उसका अगर सिक्स आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, 1/6। ठीक है, तो गेम खत्म। ठीक है, प्लस अगर मान लो उसने फर्स्ट टाइम चला उसका नहीं आया तो सेकंड टाइम कौन चलेगा, सेकंड टाइम बी चलेगा, उसका भी नहीं आएगा। तो अभी हम पूरा ए का चल रहे हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की। ठीक है, तो पहली बार में उसका आया तो आएगा, या तो उसकी कब आएगा, थर्ड बार में आएगा। थर्ड बार मतलब फर्स्ट बार में नहीं आया उसका,
सेकेंड बार में बी कभी नहीं आया और थर्ड बार में ए का आ गया, ठीक है। अब मानते हैं मान लो उसका थर्ड बार में भी नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट में ए ने चला नहीं आया, सेकेंड बी ने चला उसका भी नहीं आया, थर्ड ए ने चला तब भी नहीं आया, फिर बी कभी नहीं आया, फिर अब ए का आ गया, ऐसे। तो क्या हो रहा है, या तो उसका ए का फर्स्ट बार में ही आ गया, फर्स्ट बार में अगर नहीं आएगा तो कब आ सकता है नेक्स्ट, सेकंड तो बी चलेगा, फिर थर्ड में आ सकता है, अब थर्ड में भी नहीं आया तो कब आएगा, फोर्थ बी चलेगा, उसका भी नहीं आया तो फिफ्थ में आएगा। तो ये होती है तरीका इसको करने का। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, इसको ढंग से अगर लिखें तो 1/6 प्लस 5/6 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 स्क्वायर 4 × 1/6, ये आपकी जीपी सीरीज है। अब आपका क्या करो, 1/6 को कॉमन ले लो, ठीक है, 1/6 आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया आपका, 1 + 5/6² + 5/6⁴, ऐसे करके जीपी जा रही है। ये सम क्या हो जाएगा, इनफिनाइट जीपी हो गई ना, ये इतना सम क्या हो गया, 1/6 तो रहने दो यहाँ पे, ये अब क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 - r, जो कॉमन रेशियो क्या है 5/6, 5/6 का स्क्वायर 25/36, सो करो आप सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 1/6 × 36, हमारे माइनस होगा ऊपर चला जाएगा 36/11, तो ये आ गया आपका 6 × 6, तो 6/11 ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर ए की विन करने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो बी की क्या होगी, बी की होगी इसका माइनस कर दो, 1 - 6/11 5/11, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। तो ये आपकी ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की अगर ये है, ठीक है, तो आपको अगर अब रेशियो निकालोगे प्रोबेबिलिटीज का तो क्या आएगा, रेशियो का ए बाई बी क्या आएगा, 6/5, अगर ए बाई बी 6/5 आएगा तो कैसे डिवाइड होगा, अमाउंट अमाउंट कैसे डिवाइड होगा, ए को कितना मिलेगा 6/11 × 11, मतलब ए को मिलेगा 6 रुपीज, और बी को कितना मिलेगा 5/11 × 11, बी को मिलेगा 5 रुपीज, तो ए और बी को कितना कितना मिला 6 रुपीज एंड 5 रुपीज, मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो आया दोनों की, मतलब इधर से मान लो 6/11 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी हो गई तो हमने दोनों को कर दिया, ठीक है। तो हमको रेशियो लेना है दोनों का, 6:5 का रेशियो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बस ये तरीका याद रखो कैसे हम लोग करते हैं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है काफी। और आपको एक लोग के लिए करना है खाली, सबके लिए नहीं करना, आपको दो बी के लिए नहीं करना, एक अगर आगे तो बी का अपने निकलेगा, 1 - होगा दूसरा अपोजिट, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी 100% होनी चाहिए, इसलिए। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन आपके 12th क्लास की बुक के आर डी शर्मा में दिया इस तरह क्वेश्चन, और गाइस आर डी शर्मा बहुत सही बुक है, ऐसे देखा जाए तो काफी अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं। स्टेक मतलब 11 रुपीज लगाए हुए हैं, ठीक है, 11 रुपीज से कैसे कैसे डिवाइड होंगे ये हुआ मतलब इसका, ठीक है। तो जितनी इसकी प्रॉपर्टी का परसेंटेज उससे उसको पैसा मिलेगा, तो हमने प्रॉपर्टीज का रेशियो निकाल लिया, इस ए की है 6/11 और बी की है 5/11, तो उस रेशियो में आपको मिल जाएगा 6/11 × 11 और 5/11 × 11। सर अगर ये बी के उसमें होता कि बी हैज टू थ्रो, तो फिर डी ऑप्शन होता ना, तो फिर हाँ तब आपको वो करना था, तब आपका डी आया था, उल्टा हो जाता था, बी अगर पहले होता तो, ठीक है, तो पहले बी का आता, ठीक है। तो गाइस इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर रेशियो नहीं लेना है बी का, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 6/11, तो एक्सपेक्टेशन होता क्या है, प्रोबेबिलिटी इंटू अमाउंट, 6/11 × 11 6 हो गया ए का, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या आई 5/11, तो 5/11 × 11 5 हो गया बी का, ऐसे भी कर लो आप, तो रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी करो। क्लियर हुआ, ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नोट कर लेना बाद में, अभी नहीं, जब दोबारा देखना तब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके नॉन कैट में आ सकता है। ट्राई करो ये क्वेश्चन, इजी है।
देखो गाइस हमेशा फॉर्मूला लगाना नहीं होता है, फॉर्मूला तो लगेगा ही, बट यहाँ पर आपको दिमाग भी लगाना है काफी। इट टेक्स सिक्स टेक्नीशियंस ए टोटल ऑफ 10 आवर्स टू बिल्ड ए न्यू सर्वर फ्रॉम अ डायरेक्ट कंप्यूटर विद ईच वर्किंग एट द सेम रेट, मतलब एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। तो मतलब मैन डेज करो, सिक्स मैन है और 10 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, इफ सिक्स टेक्नीशियंस स्टार्ट टू बिल्ड द सर्वर एट 11 AM, छह लोग अगर 11 AM में स्टार्ट करते हैं एंड वन टेक्नीशियन पर आवर इज एडेड बिगनिंग एट 5 PM, मतलब क्या हो रहा है, ये आपका मैन इन टू डेज यहाँ पे हो गया। अब ये बराबर किसके होगा, ऐसे 6 into ये 11 से लेकर 5 तक सब मिलकर काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम किए, 6 घंटे। अब क्या हुआ, 5 घंटे बाद 5 PM के बाद वन टेक्नीशियन पर आवर इज एडेड, तो मतलब क्या हो जाएगा आपको, देखो क्या करना है, ये आपका 60 आ गया, अब ये 36 है। अब नेक्स्ट 1 घंटे में क्या होगा, 7 टेक्नीशियन काम करेंगे 1 घंटे के लिए, फिर 8, तो आपको देखना पड़ेगा कि कब 60 होगा ये। तो यहाँ तक 5 PM था यहाँ तक, अब ये 6 PM हो गया, ठीक है, फिर ये 7 PM हो गया, फिर ये 9। अब जैसे हमने देखा 36 + 7 + 8 + 9 ये कितना होता है, किसम आपका होता है, ये आपका हो गया 43, 51, 60 बराबर हो गया। तो 60 कब हो रहा है आपका, 9 पे आके, तो मतलब 5 PM पर कितने घंटे लगे, 6 PM, 7 PM, 8 PM, तो 8 PM पे आपका टाइम हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्वर। तो बेसिकली कर वही चीज रहे हो आप, यहाँ का मैन डेज बराबर कर रहे हो उसके, बट यहाँ तक आपको पता ही है, फिर आपको हर घंटे आपके टेक्नीशियन बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट 1 घंटे में आपके 7 टेक्नीशियन काम करेंगे, फिर उसके घंटे में 8 into 1, फिर आपको देखना पड़ेगा कब तक कहाँ तक जा सकते हैं। हमको क्या करना है, बराबर करना है 60 के इसको, इसलिए ठीक है ये आपका हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपका राउंड ऑफ में पूरा आ गया, तो आपका हो गया 8 PM में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ये आपका हो गया। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, बट अगर आपको क्लैरिटी है तो कर लोगे आप, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है गाइस। एलसीएम वगैरह का जरूरत ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सामने से लिखा सब कुछ, एलसीएम का मतलब ही नहीं कुछ, यहाँ पे सीधे मैन डेज लगाओ ना, यहाँ पे 6 × 10 = 6 × 6 + 7 = 8 करो सीधे आगे, ठीक है। मैन डेज एलसीएम तब लेते हैं जब हम लोग वाला केस होता है, जब दो लोग काम कर रहे हैं ए और बी, 1/A + 1/B, तब यहाँ पे तो मैन डेज वाला है ना, और मैन डेज एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, सीधे मैन इन टू डेज करो, एफिशिएंसी सबकी बराबर है, एफिशिएंसी आप लिखो चाहे लिखो बात बराबर ही है, आपको लिखना होगा, आपका मन कर रहा है तो लिख दो ई सब जगह, तो कट जाएगा ई सब जगह, बिकॉज एफिशिएंसी सबकी बराबर है, बोला गया कि हर टेक्नीशियन इक्वल एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो आप दोनों तरफ ई मल्टीप्लाई करोगे बात बराबर ही आएगी, इससे मतलब नहीं कुछ हमें, ठीक है। हुआ क्लियर ना, चलो यार क्वेश्चन लेंदी थोड़ा करेंगे बट, और शायद मैंने यार क्वेश्चन आप लोगों क्लास में शायद मुझे ज्यादातर नहीं कराया क्या, नहीं कैट वाले को कराया होगा, कैट आप लोगों को तो कराया मैंने क्वेश्चन इस तरह का, उन लोग का रह गया मेरे ख्याल से एनमैट का, मुझे कराना पड़ेगा यली सीरीज, तो वैसे लेंदी ज्यादा है, मैं कर लेता हूँ सीधे। देखो गाइस यहाँ पे क्या है, आपको एक्स दिया गया ए के टर्म्स में और वाई दिया गया, जल्दी से पहले एक्स और वाई सॉल्व करो, एक्स क्या है आपका 1 + 2a + 3a² + 4a² 4, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, ये आपकी ए बी बन रही है और यहाँ पे जी बी बन रही है, तो आप दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करो एक बार, ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस, यह आपको गाइस यहाँ पे टाइपो हुआ है, 3a 4a³ हो गए, इंक्रीज हो रही सीरीज, ठीक है, प्लस 3a³ + 4a² 4, दोनों को माइनस करो आप, फर्स्ट माइनस सेकंड करो, तो क्या आ जाएगा x माइनस ए एक्स, मतलब x इंटू 1 - a इक्वल टू हो जाएगा 1 + a + a² + a³, वैसे हो रहा है ना 1 + 2a - a 3a² - 2a² 4a³ - 3, कैसे ये सीरीज बन रही है माइनस तरह की 1 + a + a² इन्फिनिटी तक, अब मेरी जीपी सीरीज हो गई, अभी तक मेरी ए जीपी थी, अब मेरी प्रॉपर जीपी सीरीज हो गई है, तो क्या हो जाएगा ये आपकी सीरीज कैसे आएगी 1/1 - a, तो आपका एक्स कितना आ गया 1/1 - a² ये हमारा एक्स आ गया है, ठीक है। अब आते हैं वाई पे, वाई के लिए आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा थोड़ा, तो ये नोट कर लो कहीं पे, ठीक है चलो करते हैं, ये आपका वाई है, वाई को कैसे करेंगे 1 + 3b + 6b² + 10b³, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करो, वाई बी इक्वल टू आ जाएगा b + 3b² + 6b³
प्लस 10b2r4 माइनस करो y माइनस वाई बी वाई इंटू वन माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2b प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4b क्यूब, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे भी माइनस करने के बाद हमारी जी भी नहीं बन रही प्रॉपर, तो हमको a बार b से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो मेरा क्या हो जाएगा b इंटू वाई इंटू वन माइनस बी। फिर से करो ये काम, b प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3b क्यूब ऐसे जाएगा। अब माइनस करो फिर से, तो y इंटू वन माइनस बी माइनस ऑफ वाई बी इंटू वन माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लो y इंटू वन माइनस बी, ये आपका आ गया राइट एलएचएस में y इंटू वन माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा आ गया, ये आपका हो गया 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, अब आ गया जी बी बिकॉज 1 प्लस 2b माइनस बी प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ऐसे ये आ गई सीरीज। तो फाइनली क्या आपका y क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी क्यूब, इतना आ गया, इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब ये करने के बाद ये आप नोट कर लो, जरा याद रखना, ये आपका x था 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, वाई था 1 अपॉन 1 माइनस बी का क्यूब। अब आते हैं जरा ये वाली सीरीज में, हमने x और y निकाल लिया है, ठीक है, अब हमको ये चाहिए, तो ये हटा रहे हैं इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आया है, हमारा x आया है 1 अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर और y आया है 1 अपॉन 1 माइनस बी का क्यूब, ठीक है, इतना आया मेरा। इसको जल्दी सॉल्व करो, ये क्या है आपका सीरीज 1 प्लस ए बी प्लस जीपी सीरीज है प्रॉपर, 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, तो आपको ए बी निकालना है एक्स वाई के टर्म्स में, तो इसको चेंज करो जरा, 1 माइनस स्क्वायर 1 बाई एक्स, तो 1 माइनस ए स्क्वायर टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई टू स्क्वायर टू ए, तो ए आपका कितना आ गया एक्स स्क्वायर 1 बाई टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई टू, ए आपका ये आ गया गाइस, ठीक है, ए आपका ये आ गया। सिमिलरली आपका बी क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा 1 माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 बाई वाई, ठीक है, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन वाई का 1 बाई थ्री, तो ये आपका सिंपल सा आ गया 1 माइनस 1 बाई थ्री अपॉन ये आपका आ गया बी। अब ये ए बी यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ये आपका ऐसा आ गया। अगर आपको ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो के ले सकते हो, के और पी ऐसा कुछ, तो क्या एलसीएम ले लो जल्दी से, यहाँ आ जाएगा तो ये पूरा टर्म नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 बाई टू इंटू वाई स्क्वायर 1 बाई थ्री अपॉन ये आएगा 1 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपका बेसिकली एक्स स्क्वायर 1 बाई टू इंटू वाई स्क्वायर 1 बाई थ्री आ जाएगा और आपका ये 1 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बेसिकली आपका ऑप्शन जो बचेगा वो ये बचेगा, आपका आंसर होता है क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ये आंसर आएगा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा बिकॉज ऊपर आ गया है, नीचे आपका जब सॉल्व करोगे इसको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको, तो आपका बस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे और आपका बचेगा ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर 1 बाई टू, हाँ एक्स स्क्वायर 1 बाई टू प्लस वाई स्क्वायर 1 बाई थ्री माइनस ऑफ ये, ठीक है, जो आया ये बचेगा आपका पूरा, करना है इसको सॉल्व, ठीक है। वैसे लेंथी क्वेश्चन था, इतना लेंथी क्वेश्चन इस बार अगर आएगा तो क्या है बाद ही करना है इसको, क्योंकि टाइम बहुत टाइम काफी लग जाएगा इसमें वो करने में, ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है इसमें आपको कंसेप्ट आते हैं कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, बट लेंदी ज्यादा है क्वेश्चन, इतना टाइम मिलना नहीं चाहिए वैसे, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ सबको क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चलो ये लो क्वेश्चन बहुत इजी करो जरा ट्राई, नॉन कैट्स में है तो पूछे ही मत, सॉरी क्वेश्चन टफ नहीं है, पहली बात क्या है हमको f1 by 2 निकालना है और हमको सीधे दिया गया fx into fy = fxy,
तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एफ वन बाई टू कैसे आ सकता है? अगर ऐसा करें हम लोग एक्स को वन बाई टू ले लें और वाई को हम लोग टू ले लें, ठीक है, क्योंकि हमें एफ टू दिया गया है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा वन बाई टू इंटू टू, मतलब वन, एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इंटू एफ वन बाई टू। एफ वन पता चल जाए मुझे तो हम एफ वन बाई टू निकाल सकते हैं। और एफ वन कैसे मिल सकता है हमको, ऐसे मिल कर दें अगर एफ वन इंटू एफ टू इज इक्वल टू एफ टू, तो बेसिकली क्या हुआ है जैसे एफ वन, एफ वन आपका पॉसिबल तभी है जब आपका ये कट जाए, एफ वन आपका वन आ सकता है सीधे, ठीक है, एफ वन अगर आपका वन आ गया गाइस, यहाँ पर आपको एफ वन बाई टू इंटू फोर इज इक्वल टू वन, ये आपका आ गया वन बाई फोर सीधे, ये पॉसिबिलिटी है इस बार नहीं हुआ। क्लियर, एक्स वाई आपके रियल थे, ठीक है, क्लियर हुआ गैस। कैट के क्वेश्चन को देख के हमेशा मैं समझना कि टफ ही होगा, कभी कभी लोग डाउट करते हैं कैट के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है कैट में, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैट को आपको मैथ का विज़ार्ड नहीं बनाना है, उनको बस आपको एक देखना है कि आप मैनेज कैसे करते हो टाइम, ठीक है, तो आपको आ जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत टफ पेपर नहीं दे सकते, ये पेपर टफ था जब क्वेश्चन करें उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे बहुत अलग टाइप की चीजें थी, तब 7 IIMs थे खड़े, अब 20 IIM है, और अब कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, लोग काफी देते हैं, और उनको डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई करना है अपना वो, ठीक है, तो अगर सब टफ दे देंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गैस हम लोगों ने आज का ये कर लिया, क्वेश्चन तो जल्दी हो गया काफी, कितने क्वेश्चन किए हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 9 क्वेश्चन अराउंड हुए गैस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी करेंगे, थोड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे क्लासेस की, क्योंकि कैट आ रहा है, आप लोग रिविजन करो गैस, बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि रिविजन बार बार करो, आपने कॉपी बनाई हुई पॉइंट्स उसको रिवाइज करो, बिकॉज आपकी नोट से ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं आ सकता, कैट दे नहीं सकता ज्यादा नए क्वेश्चंस। और जो हम लोग करा चुके हैं, हमको बोला था कि कैट को क्या वैरायटी पसंद है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स कैन टेक, वाई कैन टेक, ये सब, वो ऐसे फॉर्मूले कम देता है चीजें जो बिल्कुल एग्जैक्टली निकल आए, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्लियर रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई टॉपिक में लगता है कि आप वी को फिर से देखो रिकॉर्डिंग उसकी, ठीक है, और क्वांट्स में अगर आप आराम से ला सकते हो गाइस, जिन लोगों ने सारी रिकॉर्डिंग देखी उनका आराम से 99+ आ सकता है, अगर आपको ओवरऑल 99+ लाना है, अच्छा लाना है, तो 2 में 99 लेके आओ, किसी की वी अच्छी है और क्वांट अच्छी है तो उसका आराम से आ जाएगा, इवन LR भी आ जाएगा, ठीक है। और गैस LR के लिए मैं आपको एक टिप दूंगा, LR में आपको पता है कि पेपर टफ आएगा आधा हर बार, एक बार देख लेना पेपर को, पेपर टफ आएगा तो सब कुछ करने चक्कर में मत रहना, मतलब काफी लोग सब कुछ करने चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं, तो 2 3 सेट अच्छे से करना सॉल्व, अगर 3 सेट सॉलिड करके आ गए LR में आपका आराम से आ जाएगा 95+, ठीक है। बाकी क्वांट्स तो मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए अगर मैं सिलेबस स्टिक नहीं करी तो, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं आएगा क्वांट्स, आपके IIMs टाइम में ज्यादा टफ आते होंगे, बट उसको एनालाइज करो, ठीक है। चलो गैस, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आई गेस कुछ आपकी लर्निंग हुई होगी, नेक्स्ट मैं बताऊंगा कब होनी क्लास, फ्राइडे को वैसे होनी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, तो देखते हैं उसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों को, पास्ट कैट की बहुत ज्योमेट्री नहीं हुई थी, ठीक है, तो वो कराएंगे। सर हाँ बताओ, सर क्वांट्स में कितने क्वेश्चंस ऐसे करें कि मतलब 99+ अराउंड हो, मतलब अटेम्प्ट कितने करने चाहिए? क्वांट्स में बेसिकली ये मान लो कि अगर हमारा 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि 20+ अटेम्प्ट करो ही, ठीक है, 20+ में ओके। आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक और VARC में दो, मतलब मैं ऐसे करता हूँ, 2 RCs और वो पूरा वर्बल वाला पार्ट। है, तो देख लो कि आपका वी के स्ट्रॉन्ग करिए क्या, अगर आपको वैसे आरसी तो नंबर ऑफ आरसी तो कम है, और आपका अगर वी अच्छा है तो अच्छी बात है, वैसे ज्यादा लोगों के आरसी में नंबर ज्यादा आते हैं इसके मतलब वीए में, क्योंकि वीए में टीटा टाइप भी आ जाता है, तो पैरा जंबल्स कितना सही हो पा रहा है पता नहीं होता ना, तो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे भी और कैसा लेवल आया है, ठीक है, बट एक्यूरेसी अगर वीए में अच्छी है तो बढ़िया हो जाएगा फिर तो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेन सा LR का ही है कि मतलब थोड़ा LR में मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे कैट में भी मॉक्स में भी LR में डाउन जा रहे हैं। अच्छा, LR के लिए तो बस यूट्यूब में काफी यूट्यूब चैनल्स हैं जो LR के रैंडम सेट्स बनाते हैं, उसको करो, कि LR में तो कंसेप्ट सबको समझ आ जाता है, मेनली बस रैंडम क्वेश्चंस करने की बात है, ठीक है, तो इस टाइम पे अपने मॉक्स ही एनालाइज करो, वही हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। LR का सबसे अच्छा सोर्स यही है आपके खुद के मॉक्स, अगर अपने IIMs टाइम के मॉक्स नहीं तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, इवन हम लोग भी वीडियो सॉल्यूशन देते हैं अपने कैट के मॉक्स में, तो उतना ही अगर अच्छे से एनालाइज कर लो ना तो हो जाएगा। बाकी अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक वीक लग रहे हो, कि आपको आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट्स अच्छा नहीं है, तो आप करो अच्छे से, वेन डायग्राम तो अच्छे से करो, वेन डायग्राम बहुत फेवरेट है उसका, ठीक है, वेन डायग्राम को अच्छे से करो। और जिन्होंने हम लोग का LRDA कोर्स लिया है,
मतलब कैट कर लिया था वेन डायग्राम के, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन सेट कम से कम 18 वीडियोज हैं पोर्टल में निशान सर के अलावा, हमने बनाए थे खुद जो, मतलब वो वीडियोज ऐसे हैं जो पास्ट मॉक के उठाए थे ना क्वेश्चन, एक बार फिर से रिवाइज कर लो सब। उसे मेन चीज है मैक्सिमम मिनिमम वो वेन डायग्राम्स का, क्योंकि नॉर्मल तो आप करी लोग नॉर्मल आएगा भी नहीं, मेनली वेन डायग्राम में मैक्सिमम मिनिमम आएगा। ठीक है तो आप कर लो एक बार, ठीक ओके है सर। करो अच्छे से गाइस। बाकी कैट में उम्मीद काफी है, कैट में अच्छी बात क्या होती है कि आपका बहुत सारे वो आ जाते हैं, कैट में भी आपको मैं बताऊंगा कॉलेज 92% प्लस पे, ये कॉलेज है डीएससी, शायद सुना होगा काफी लोगों ने, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉलेज डीएससी और डीएफएस। 34,000 दो साल की फीस है, दो साल की फीस, और आपका 10 लाख का एवरेज पैकेज है, 10 से 12 लाख का, तो मुझे बहुत सही लगता है कॉलेज। आपको लोन वोन तो कुछ है ही नहीं, इतना तो हम पर मंथ का देते थे एनएमआई में रहने का 1 महीने का, जितने आपकी फीस है 2 साल की, और कुछ मैटर नहीं करता पता है। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले तो अलग बात है, वरना तो इस तरह कॉलेजेस बहुत सही लगते हैं मुझे। चाहे आप 10-12 लाख से स्टार्ट हो गया, एक बार आप कंपनी में चलेगा अच्छी, फिर आपका ग्रो होगा ही होगा, बट डिपेंड करता है आपका करंट पैकेज कितना है, क्योंकि तो नाम तो मैटर करता ही देखो हमेशा, ठीक है वो डिपेंड करेगा। एमडीआई वगैरह की बात ही अलग है, लीव तो कर सकते हैं, बट अब ये कि ऐसा कुछ लीव करने वाली बात नहीं है, मेन है कि सही कितना कर रहे हो डीआई में, ठीक है समझ में आया। ठीक है चलो गाइस, सी यू ऑल कैन लीव नाउ, ठीक है मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा।